एक व्यूवर्स ने हमको बोला था आप कंप्लीट फिटिंग नहीं दिखाता है, कंप्लीट फिटिंग का वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, और मेरा पास हाई पावर का लेंस फिटिंग में आया है, तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप देखिएगा, आपको हम कंप्लीट फुल फिटिंग करके दिखा रहा है। ये पावर देख लीजिए, दोनों आँख में अलग अलग पावर है, और ये डबल पावर होगा, डिस्टेंस भी माइनस पावर है और नियर भी माइनस पावर है, और ये जो लेंस है राइट आई वाला है, माइनस लेंटिकुलर डी बाइफोकल 1.5 इंडेक्स प्लास्टिक का लेंस है, और लेफ्ट आई वाला नॉर्मल है, लेफ्ट आई का जो पावर है कमती है, और ये जो फ्रेम है फुल फ्रेम है, और फ्रेम में जो डेमो लगा हुआ है इसमें सेंटर है, ये देख लीजिए, डेमो को लेंस का ऊपर में ऐसा बैठा लेगा, देख लीजिए, फोकल जो है फोकल का बीच में सेंटर को मिला लेना है, हाइट भी देख लेना चाहिए, ये ऐसा करके देख लीजिए आप। अच्छा मार्कर पेन ले लीजिएगा, चारों तरफ घुमा के लेंस को दागी मार लेना पड़ता है, ऐसा करके देख लीजिए, ये राइट आई वाला है, लेफ्ट आई वाला को भी सेम ऐसा दागी मारना है, ये देखिए दागी मार लिया है, अभी इसको हम ये प्लास्टिक काटने वाला मशीन है ये काट रहा है, देख लीजिए, और लेंस को काटने का टाइम में जो दागी लिया है दागी का बाहर से काटना पड़ता है, और एक अंगली से लेंस का ऊपर में हल्का सा बैलेंस दे के रखना चाहिए, ये देखिए काट लिया, दागी का बाहर साइड से काटा है हम, इसको अभी हम नॉर्मल जो एजिंग मशीन है उसमें शेप मिलाएगा, देख लीजिए, ये जो एजिंग मशीन है इसका जो व्हील है प्लेन है, बीच में कोई ग्रुप रूप नहीं है, और ये जो साइड में इससे लेंस का साइड से ग्लेजिंग लाना पड़ता है, लेंस को ऐसा स्ट्रेट पकड़ लेना पड़ता है, ये देख लीजिए, उसका बाद इसको आस्ते आस्ते ऐसा करके घसना पड़ता है, दागी जो लेंस का ऊपर में दिया था मार्कर पेन से चारों तरफ घुमा के उसका एकदम बराबर हिसाब से प्लेन कर लेना है घस घस के, और ये थोड़ा हाई पावर है इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और आपको हम एक ही ग्लास में दिखा दे रहा है, ये देखिए काटना भी हो गया, अभी इसको हम प्लस साइड से थोड़ा टेढ़ा करके ग्रुप बना रहा है, ज़्यादा टेढ़ा करना नहीं चाहिए, ज़्यादा अगर टेढ़ा करता है तो लेंस का साइड से ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है, ये देखिए प्लस साइड से हम ग्रुप बना लिया, इसको माइनस साइड से भी थोड़ा घस के प्लेन कर देगा, ये देखिए माइनस साइड से भी थोड़ा घस रहा है हम, दोनों साइड से जो पतला हो जाएगा, पतला होने से फुल फ्रेम में फिटिंग करना पड़ता है ऐसा करके, और एक तरीका है आपको हम दिखा दे रहा है, आप वीडियो को देखते रहिए, और हाई पावर का लेंस अगर आप ऐसा नॉर्मल एजिंग मशीन में फिटिंग करता है तो ऐसा करके अगर फिटिंग करता है तो लेंस का जो फिनिशिंग है अच्छा होता है, और लेंस को फ्रेम का ऊपर में एक बार अच्छा से देख भी लेना चाहिए सेम साइज हुआ नहीं, अभी इसको हम माइनस साइड से ग्रुप जो बनाया है ग्रुप का साइड से सुपरा में जैसा ग्रुप बनाता है वैसा करके हम इसको ग्रुप बना रहा है व्हील का साइड से, ये देखिए, और इसको हम ऐसा क्यों कर रहा है आपको हम बाद में बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसा किया है जब आप फ्रेम में फिटिंग करिएगा तो साइड से ज़्यादा सफ़ेद दिखाई नहीं देगा, हम थोड़ा सा माइनस साइड से इसलिए घस रहा है, थोड़ा ग्रुप जो है थोड़ा पतला होगा, ये देखिए दोनों लेंस को हम बना लिया इसे सेम टू सेम, हम एक ही लेंस में आपको हम दिखा दिया, आप अगर नया करके काम सीखता है तो पहले पुराना ग्लास में ट्राई करिएगा, ये हीटर है और ये जो फ्रेम है सीट का फ्रेम है इसके लिए थोड़ा हीट दे दे रहा है, हीट दे के लेंस को अगर फिटिंग करता है तो लेंस टाइट होगा, ये हाई पावर है बोल के हम हीट दे रहे हैं, नहीं तो कमती पावर होने से ऐसा भी फिटिंग हो जाता है, और ऐसा अगर हाई पावर अगर आप ऐसा करके ग्रुप बना के फिटिंग करता है तो थोड़ा अच्छा से देख के फिटिंग करिएगा, कभी ऐसा फिटिंग करने का टाइम में लेंस जो है फंस जाता है, आपको हम दिखा रहे हैं कि सर के फंसता है, हम अच्छा से आपको समझा भी दे रहा है, ये देखिए कितना सुंदर फिटिंग हो गया, इसको ऐसा ढुकाना है, उसका
का बाद ये देखिए इधर से साइड से फंस गया। इसके लिए इसको फिटिंग करने का टाइम में लेंस को थोड़ा अच्छा से देख लेना चाहिए। ये देखिए इस करके फंस जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर इस करके आप फिटिंग करता है तो साइड से वाइट कमती दिखाई देगा और लेंस फोन साइड से चश्मा जो है देखने में भी अच्छा लगता है। और ये पावर बहुत है, लेंस भी मोटा है, जितना हो सकता है हम इसको मेरा तरफ से हम फिटिंग किया है। अगर इसको नॉर्मल हिसाब से अगर हम फिटिंग करता था तो साइड से ज़्यादा वाइट दिखाई देता था। और दोनों लेंस का थिकनेस का भी डिफरेंस है, दोनों लेंस का पावर जो है कम ज़्यादा है। और दोस्तों हम कंप्लीट फिटिंग इसलिए दिखाने नहीं सकता है, हम अकेला रहता है इसके लिए प्रॉब्लम होता है। और मेरा जो एजिंग मशीन है उसका जो टेबल है बहुत छोटा है, वहाँ पर मोबाइल को रखने का सिस्टम नहीं है, इसके लिए हम आपको अच्छा से दिखाने भी नहीं सका।